जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे जो हमारी अप्रेंटिस की भर्ती है, जो कि गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड की है। इसके लिए आप किस तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। अगर आपको फ्रेंड हमारा यह वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलें लर्निंग टाइम को ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब कैरियर रिलेटेड डेली अपडेट के लिए। फ्रेंड, मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से लेकर आपका कैरियर रिलेटेड ऑल इंडिया वैकेंसी, कैरियर आपका रिलेटेड जानकारी, जिसमें आपकी एजुकेशन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जानकारियों की अपडेट देता रहता हूँ। वीडियो इन्फॉर्मेशन की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें और फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पर नीचे दिए गए लिंक के द्वारा। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको देखिए अप्रेंटिसशिप है आपकी, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, टेक्निकल अप्रेंटिसशिप और एचआर ट्रेनिंग की है। इसके आपके अलग अलग नोटिफिकेशन है, इनके बारे में आपको बताऊंगा, फिर आपको लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको देखते हैं आपका गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा, जो कि आपका एंगेजमेंट और ट्रेंड अप्रेंटिसशिप, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप और टेक्निकल अप्रेंटिसशिप के 11/9 से लेकर 1/10 तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो वैकेंसी है गार्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियर लिमिटेड की इन्वाइट करता है एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड। 256 अप्रेंटिस की भर्ती है, जिसमें आपका ऑल ट्रेड अप्रेंटिसशिप, ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 2021-22 के लिए। यहाँ पे आपको ट्रेड देख सकते हैं आपका एक्स ITI, नंबर ऑफ वैकेंसी 170 है। यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन ट्रेंड फीडर, आपको प्लेसमेंट दे सकते हैं कहाँ कहाँ है उसके बारे में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं ड्यूरेशन आपका 12th मंथ का रहेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, थोड़ा और बड़ा कर दो जिससे कि आप इजीली देख सकें, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एप्लीकेशन शुड हैव पास्ट ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, आपको देख सकते हैं फॉर क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम एंड आपका प्रोसेस एंड नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशू आपको देख सकते हैं बाय नेशनल काउंसिलिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। आपका कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, रजिस्टर्ड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, अंडर अप्रेंटिसशिप, आपको देखते हैं आर नॉट एलिजिबल। जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ले रहे हैं या लेने के लिए आप जा रहे हैं तो वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एज लिमिट दे रखी है, यहाँ पे 14 दे रखी है 1/9/2021 से, कि आपके अनुसार अगर 14 है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट बोर्ड 1/9/2007 से यहाँ पे 25 मैक्सिमम दे रखी है 1/9/2021 के अनुसार, ठीक है। तो अब एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाए SC/ST आपका कैंडिडेट के लिए, OBC और फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर होना चाहिए। देखिए, जो ITI होते हैं वो apprenticeship.india पे जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे अपने आप को, ठीक है, उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना है जो ITI किए होते हैं। जो ग्रेजुएशन अप्रेंटिसशिप के लिए होते हैं उनके लिए यहाँ पे आपको अलग रहेगा, वो अलग जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। तो ट्रेड अप्रेंटिसशिप जो फ्रेशर है वो यहाँ पे कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी 40 है, इनके बारे में आपको देखते हैं, इनके बारे में एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बता चुका हूँ, हाई स्कूल प्लस आपका ITI होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको एज देखने मिल जाए। ग्रेजुएट अप्रेंटिस की देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 16 है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल है, आपका डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिग्री और एग्जामिनेशन के बारे में दे रखा है। यहाँ पे आपका डिसिप्लिन सिविल के बारे में 12th मंथ का रहेगा, महीने का आपको देख सकते हैं डिग्री आपका रहेगा टेक्निकल ग्रांटेड बाई, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो कि आप पास हुए इंजीनियरिंग टेक आपके 2018-19 बाद ऑनली एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। तो जो 2018-19-20 में इन्होंने किया वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट यहाँ पे आपको दे रखी है 26 दे रखी है। टेक्नीशियन की देख सकते हैं यहाँ पे डिप्लोमा वाले हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन सिविल में। 12th मंथ रहेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2018-19-20 दे रखा है, जो आप ऑनली एलिजिबल टू अप्लाई। एज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, एज रिलेक्शन देखने को मिल जाएगा, रिजर्वेशन आपका एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे इस पे जाएंगे कैरियर में, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लास्ट डेट आपको देखने को मिल जाएगी 1/10/2021 है आवेदन करने की, ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट शुड कीप कॉपी एप्लीकेशन प्रिंट आउट, आपका हार्ड कॉपी एप्लीकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड। यहाँ पे आपको अपनी जो आप एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप प्रिंट आउट लेंगे, उसको अपने पास सुरक्षित रखें, सेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। सिलेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो कैंडिडेट विल बी सबमिट एप्लीकेशन अगेंस्ट आपका एडवर्टाइजमेंट अपेरेंटली फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे कैंडिडेट अप्लाइड ट्रेड अप्रेंटिसशिप कैन नॉट ऑप्ट फॉर ट्रेनिंग आइदर कोलकाता या आप राज्य, इन दोनों में से एक स्थान पर आप दे सकते हैं, ठीक है। जो आपकी लिस्ट आपकी रहेगी, जो आपके मार्क स्कोर आपने किया हुआ क्वालिफाई एग्जामिनर ईच ट्रेड डिसिप्लिन AIT अंडर आपका CTC ट्रेंड आपका अप्रेंटिसशिप के तहत आपका होगा, ठीक है। उसके बारे में
मटेरियल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सेल रजिस्टर रहेंगे वो आपको अपने रखने हैं, ठीक है। आपको बुलाया जाएगा तब आपको दिखाना है। यहाँ पे आपको जो सैलरी रहेगी या स्टिपेंड रहेगा आपका प्लेसमेंट कोलकाता फर्स्ट आपको ईयर का 6000, सेकंड ईयर का आपको 6600। आपका ट्रेड एक्स ITI का दे सकते हैं कोलकाता रांची 7000 से लेकर आपको दे सकते हैं 7700। ग्रेड ग्रेजुएट अप्रेंटिसिप के दे 15000, 10000 कोलकाता और ट्रेंड अप्रेंटिसिप की यहाँ टेक्नीशियन की 9000 रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आप देखते हैं ITI डिग्री डिप्लोमा क्वालिफिकेशन एक्वायर थ्रू पार्ट टाइम डिस्टेंस इज नॉट बी कंसिडर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बारे में डिटेल देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे आपको देखते हैं जो ITI वाले हैं उनको यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं आपका MHRD पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है जो ग्रेजुएट वाले होंगे। फ्रेंड करते हैं बात रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले देखिए आप जैसे जाएंगे क्रिएट लॉग इन टू अप्लाई पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, कैंडिडेट का नाम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपका ट्रेड अप्रेंटिस के लिए करना चाहते हैं फ्रेशर, यहाँ पे ईमेल ID यहाँ पे आपको बताना है, डोमेन, ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हैं, अदर डोमेन है तो उसके बारे में यहाँ पे बताएंगे। री एंटर ईमेल ID पासवर्ड यहाँ पे करना है, आपको रीड अंडरस्टैंड गाइडलाइंस को यहाँ पे आपको यस या नो पे क्लिक करना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको डिटेल है वो यहाँ पे करना है। इसके बाद आपको देखिए आप एक बार एडिट करने के बाद सबमिट करने के बाद यहाँ पे एडिट नहीं कर पाएंगे, इस तरीके यहाँ पे आपको बताया जाए। तो फ्रेंड देख सकते हैं मेरा सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है, यहाँ पे आपका एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया गया आपकी ईमेल ID पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से लॉगिन करेंगे, यहाँ पे देखिए जो मैंने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी जो पासवर्ड था उस पर आप क्लिक करके सबमिट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे इसको कंप्लीट करूंगा मैं, फिल द एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नाम के साथ मिस्टर लगाना है जो भी आपका है, यहाँ पे आपका अप्रेंटिस पोर्टल रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको देना है, ठीक है, जो कि मैंने बताया था। यहाँ पे आपको अपनी चूज करनी है ट्रेड, आप जिस ट्रेड से हैं तो यहाँ पे चूज कर सकते हैं, आपको यहाँ पे बताना है जो भी आपका, यहाँ पे आपको बता देना है, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक चुन लिया है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप कर लेंगे, आपका चॉइस ऑफ प्लेस अंडर गोइंग अप्रेंटिस ट्रेनिंग आपको कोलकाता जहाँ जाना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ आपको बताना आपका दिखाई दे जाएगा, मेल फीमेल है यहाँ पे बतानी, जेंडर आपको बताने का अपना, मिस्टर आपका यहाँ पे बताना है, फादर का नाम देना है, पोर्टल आपका जो पोस्टल एड्रेस है वो यहाँ पे आपको देंगे, ठीक है। आपकी ईमेल आईडी आपको देखने मिल जाएगी, इसी तरह का सिटी जिस स्टेट के हैं वो यहाँ पे आपको जानकारी दे देंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे सिटी आप पिन कोड बताएंगे, अल्टरनेटिव ईमेल आईडी, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और टेलीफोन नंबर की जानकारी देंगे। अगर यहाँ पे आप दे दें मोबाइल नंबर तो कंपलसरी, टेलीफोन नंबर नहीं है छोड़ सकते हैं। रिलीजन अपना बताना है, जो भी आपका रिलीजन है चार्ट में से देख के बता देंगे, ठीक है। इस तरीके से बताने के बाद कैटेगरी आपको बतानी, जो भी आपकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लें यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आप क्या फिजिकली डिसेबल है, या नो करना है, फिजिकल डिसेबल टाइप आ रहा है, परसेंटेज यहाँ पे बताना है, नेशनलिटी आपको इंडियन बतानी, इस तरीके से यहाँ पे आपको करना है। क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन के बारे में आपको बताना, हाई स्कूल है तो यहाँ पे बताएंगे, नेम ऑफ बोर्ड आपका, ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे इस तरीके बताया, ग्रेड थे मार्क थे यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। इस तरीके से आपका ग्रेड मार्क ऑप्टेन मैक्सिमम, तो यहाँ पे आपको देखिए ग्रेड आपका मार्क ऑप्टेन मैक्सिमम मार्क ऑप्टेन यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे आपको बताने हैं। अगर आपका देखिए परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपको जानकारी देनी होगी, ठीक। ये देने के बाद यहाँ पे आपको इज योर फादर मदर प्रेजेंटली वर्किंग, यस या नो कर सकते हैं। यस में आपको यहाँ पे डिटेल दे दिए, नेम आपका बताना, डेस्टिनेशन आपका, प्रेजेंट नंबर, अंकर डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको बताना, इस तरीके से यहाँ पे करने का सेव या पर्सनल डिटेल है उसे सेव यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। फ्रेंड अगर आपको कोई भी फॉर्म भरने में आपको कोई तकलीफ होती है तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों की जरूर हेल्प करूंगा कमेंट में, या आप हमें सोशल मीडिया में पूछें तो मैं आपको ज्यादा जल्दी आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो डिटेल है सक्सेसफुली सेव हो चुका है, मैं बैक पर जाऊंगा तो मेरा एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अपलोड फोटोग्राफ है यहाँ पे, मैं अपना अपलोड फोटोग्राफ करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं चूज यहाँ पे फाइल करनी है, अपलोड फोटोग्राफ करना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए यहाँ पे आपको साइज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फोटो अपलोड कर दिया है, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए हाई स्कूल का आपका सर्टिफिकेट है 300 KB का, यहाँ पे आपको क्लास 10 का मार्कशीट है आपको जो कि JPG PDF में करना है। इसी तरीके से यहाँ पे आप 300 KB का PDF है यहाँ पे आपको अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट वो अपलोड करना है, ठीक है। जो भी आपके यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, उसी के अनुसार यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे मेरा हो चुका है प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन पे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। बाकी आपके डिक्लेरेशन है दे सकते हैं, यहाँ पे मैं यस पे क्लिक करूंगा, हाई हेयर बाई आप डिक्लेरेशन गए, यू वॉन्ट टू प्रोसीड यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे आप इस तरीके सबमिट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म है आपको देखने को मिल जाएगा जो आपने भरा था।
आप प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट पे आप क्लिक कर दीजिएगा। इसको आप चाहें तो यहाँ से भी आप देखिए सेव पीडीएफ आ रहा है, यहाँ पे आपका आ रहा होगा प्रिंट का, तो यहाँ से आप सेव पीडीएफ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। सुरक्षित और प्रिंट आप दोनों निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड ये थी आपकी जानकारी जो कि गार्डन रीच आपका सिप बिल्डर इंजीनियर लिमिटेड के बारे में मैंने बताया। यहाँ पे आपको गाइडलाइंस अप्लाई ऑनलाइन के बारे में देखने को मिल जाएगा, वो भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। इसकी कंप्लीट जानकारी यहाँ पे एचआर के बारे में आ रहा है, तो वो भी यहाँ पे आपके एंगेजमेंट देखते हैं, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल देखने को मिल जाएगी। 6 वैकेंसी है, 12 मंथ की आपका 15 रहेगा, इसके बारे में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। स्टिपेंड बाकी आप डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं, इनके बारे में भी दे रखा है, ठीक है। तो मैंने ये जानकारी थी मैं आप लोगों को बताया। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हेल्पफुल लगा है तो जरूर बताएं। ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब कैरियर रिलेटेड डेली अपडेट के हमारे चैनल बने रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।